परदेश में हुसैन की परदेश में हुसैन तेरी बेरास कर गई आजी तेरे बाल कयामत गुजर गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मुहिबान अहले बैत और तमाम आज़ादारान हुसैन को तैज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ, क्योंकि आज के दिन सब जानते हैं, सब पर आया है कि आज एक ऐसा पुरदर्द वाक़ा रोनुमा हुआ है जो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। आज के रोज़ करबला के तपते रेगिस्तान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदर्दी से शहीद किया गया, और शहीद करके उन्हें फिर उनके अहलायाल को अजियतें दी गईं, उनके सरों को नैज़ों पर सवार करके और उनके जो मस्तूरात हैं, उनकी जो मुखदरात हैं, उनको शाम ले जाया गया। पहले कूफा ले जाया गया, फिर शाम ले जाया गया, यानी उम्मत सब कुछ भूल गई जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर उनको जिस बेदर्दी के साथ तपते रेगिस्तान में शहीद कर दिया गया, वहाँ उनके मासूम, उन पर पानी बंद किया गया, उनके मासूमों को शहीद किया गया और उनको भी नहीं बख्शा गया। बहरहाल ये वाक़ा रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। अब कहते हैं कि शहीद नहीं मरते, लेकिन आप देखते हैं कि हुसैन ऐसा शहीद है जो हर साल ज़िंदा होता है और हर साल यजीद की वो बर्बरियत याद की जाती है जो यजीदी फ़ौज ने कूफा पहुंचकर, करबला पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो बर्बरियत की, तो वो आज याद की जाती है और ये रहती दुनिया तक याद की जाएगी। ये आज का जो ये वाक़ा है, ये हमें अमन व आश्ती बरादरी का पैगाम देता है और ये हमें इस बात की याद दिलाता है कि किसी जालिम की बैयत नहीं करनी चाहिए, किसी जालिम के सामने झुकना नहीं चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर हमारे माशरे में कोई जालिम इंसान है, उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ क़याम करना चाहिए। यही हुसैनियत है और यही हुसैन की तालीम है, लेकिन हम इन तालीमात को भूल चुके हैं। ये बदकिस्मती है कि अगर हमारे समाज में कहीं जुल्म और बर्बरियत होती है, लोग इस वक्त भी तमाशा देखते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई जालिम के ख़िलाफ़ नहीं उठता है और कोई मजलूम की हिमायत नहीं करता है। असल करबला के वाक़ा का मकसद ये है कि मजलूम की हिमायत करो और जालिम के ख़िलाफ़ उठो, और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम करबला के शहदा का जो मिशन था उसको कायम रखें, उस पर चलें और उस को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जहाँ तक इस मुकद्दस दिन का सवाल है जो 10 मुहर्रम है, अगर हम ज़रा इस चीज़ पे गौर करें, जब किसी दो ग्रुह के बीच में कोई लड़ाई होती है तो जो ग्रुह किसी को कत्ल करता है और दूसरा फातिहा कहलाता है कि मैंने जी किसी को मारा या किसी का ये किया, मगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ हमारे इमाम साहब शहीद होते हैं, इमाम हुसैन, और यजीद उनको शहीद करते हैं, तो मगर फातिहा किसको कहा जाता है? जो शहीद हुआ, हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो ये पहली बार आप हिस्ट्री में देख रहे होंगे या किसी भी इसमें देख रहे होंगे कि जो शहीद होता है उसको फातिहा करार दिया जाता है, और जिसने कत्ल किया, जिसने शहीद किया, तो उसको लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, जिसको हम यजीद कहते हैं। और ये हिस्ट्री में आप पहली बार देखेंगे कि ऐसा है कि, और इस शहीद का दिन
और इस शहीद का दिन हर 10 मुहर्रम को हम मनाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो यही है कि आपने सुना होगा कि हर ये इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यही है कि जो ये 10 मुहर्रम है हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा इस्लाम जो है इसमें एक नई रूह आ गई और ये जिंदा रहा जो आज तक आप देख रहे हैं। जो हम 10 मुहर्रम मनाते हैं ये इसी की एक कड़ी है और ये इसी का एक वजह है कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस दिन को मुसलमानों की फतेह के तौर पर मनाया जाता है।